सीकर के खाटू श्याम में चल रहे बाबा श्याम के लक्खी मेले का आज समापन होगा और इससे पहले रविवार को एकादशी पर 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, यानी कि होली के मौके पर रंग रंगीली होली में अलग अलग दर्शन जगहों पर किए जा रहे हैं, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप खाटू श्याम जी से देख रहे हैं। सुबह 5 बजे जोत के साथ मुख्य पूजा हुई है और सुबह 11 बजे मंदिर परिसर में से नगर भ्रमण पर निकले हैं। श्याम रथ की यात्रा 2.5 घंटे में पूरी हुई है। दिव्य गौड़ इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिव्य, आज समापन होना है इस मेले का, क्या कुछ खास आज आप देख पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों में जो हमें नजर आ रहा है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज देखिए, आज द्वादशी का दिन है, कल 11 का दिन था। कल 11 को लाखों श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए थे और आज जो द्वादशी है, ऐसी मान्यता है कि 11 के दिन की रात जगती है और 12 का बाबा को भोग लगता है। तो आज जो आप देख रहे हैं पीछे, जो श्रद्धालु जो श्याम भक्त हैं, वो ये सारे श्याम भक्त 12 का जो भोग लगता है या यहाँ पे जो इनके मान्यता के अनुसार जो जात जड़ूले होते हैं, वो आज जात जड़ूले यहाँ उतारे जाते हैं और उसके साथ में ही ये जो श्याम भक्त हैं 12 का जो भोग है वो बाबा श्याम को आज लगाते हैं। तो उस कारण आज ये सब जो श्रद्धालु हैं बाबा को भोग लगाने के लिए श्याम धनी को चूरमा और जो भी प्रसाद है वो लगाने के लिए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। निशान जो है, निशान खत्म हो गए हैं, लेकिन निशान द्वादशी के दिन आज एक महत्वपूर्ण निशान आता है जो पिछले 104 सालों से आ रहा है। सूरजगढ़ का वो निशान होता है जो सफ़ेद कलर का होता है और बाबा के शिखर बंध पे बंधता है। तकरीबन 11 बजे करीब वो निशान यहाँ आएगा और अपने सूरजगढ़ की जो टोली है उनके साथ में वो निशान यहाँ आएगा। सबसे बड़ी खास बात अनूप उस निशान की ये है कि वो निशान 104 सालों से कंटिन्यू आ रहा है और सूरजगढ़ से जब वो निशान चलता है तब से लेकर उस खाटू में जब तक वो निशान मंदिर में धारण नहीं कर दिया जाता तब तक वो निशान कहीं रुकता नहीं है। ये उसकी सबसे खास बात है। अब ऐसे में आज 12 का दिन है, मेला समापन का आज अंतिम दिन है, लेकिन आज जो श्याम भक्त हैं वो बाबा के साथ में होली भी खेलेंगे। तो इस तरीके से आज का जो वातावरण है वो भी एक बहुत अनोखा और उमंग भरा यहाँ होने वाला है। साथ ही पुलिस व्यवस्था की बात करें तो अब पुलिस प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिकेड्स टूट चुके हैं, कई जगह पे ऐसे बैरिकेड्स हैं जहाँ पे बैरिकेड्स टूटे हैं, भक्तों को चोटें आई हैं, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन ऐसे तमाम इन समस्याओं के बावजूद भी पुलिस प्रशासन को किसी तरह की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। रात को भी हमारी बात सीकर SP अमनदीप सिंह से हुई थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी का हवाला देते हुए कि मुझे राउंड पे जाना है ऐसा कह के वो उस बात को टालते हुए नजर आ गए। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पे बन जाती है कि जहाँ लाखों छोटी सी खाटू जैसे छोटे गाँव में जहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करने जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। लेकिन यहाँ पे जो स्काउट के बच्चे आप देख रहे हैं, 5 दिनों से ये जो बच्चे हैं, 9 दिनों से जो बच्चे हैं, ये यहाँ पे कंटिन्यू निस्वार्थ यहाँ पे जो भाव है, भाव से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। किसी तरह की कोई इनको पेमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, मन से भक्ति के साथ में ये जो स्काउट के जो गाइड है, ये स्काउट के जो कार्यकर्ता है, ये तीन घंटे शिफ्टों में यहाँ पे करते हैं। कल भी यहाँ पे स्काउट के बच्चों के यहाँ से मारपीट हुई थी। जी बिल्कुल दिव्य, लेकिन हम चूंकि भीड़ के लिहाज से भी देख रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई, हालांकि कुछ वॉलंटियर्स का आप जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको बात कही कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस ने जहाँ जहाँ नाकाबंदी थी, जहाँ जहाँ बैरिकेड्स लगा रखे थे या जहाँ जहाँ VIP एंट्रीज को रोक रखा था, उन सभी तमाम जगहों से पुलिस प्रशासन अब पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ मेरे दाहिने तरफ की जो मेला ग्राउंड है वहाँ पे पुलिस प्रशासन ना के बराबर दिख रहा है। अगर बात करूँ लगातार की पीछे की बात, तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो वहाँ पे नाकाम तो दिखाई दे रहा है। और अगर मैं लामिया रोड और मेला ग्राउंड चारण ग्राउंड की बात करूँ तो वहाँ पे जो भक्त हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बल्लियाँ तोड़कर जो भक्त है लाइन में ना आकर वो समूह के रूप में मंदिर के गेट के सामने आ गए हैं। ऐसे में
स्काउट के बच्चे पंक्ति बनाकर उनको दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो आरएसी की टीम जवान वहाँ दिखाई दे रहे हैं भारी मात्रा में, ना ही पुलिस प्रशासन यहाँ पे भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिव्य, आज चूंकि समापन होना है तो ऐसे में जो भक्तों की भीड़ है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और खाटू श्याम मेले की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं खाटू श्याम जी की, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त पहुंची हुई है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, और बाबा श्याम के जयकारों से पूरा खाटू धाम गूंज रहा है। होली के मौके पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, कहीं आस्था का रंग तो कहीं होली रंग और गुलाल का रंग, कहीं लठमार होली की तस्वीरें। इन तमाम तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ज़रा देखिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए भक्तों की भारी भीड़। चलिए शुक्रिया दिव्य इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बाबा के जयकारों से खाटू धाम गूंज रहा है, और